तारक मेहता के लापता सोडी फाइनली घर लौट आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं श्वेता कनौजिया और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। जहाँ बात करें तारक मेहता के उल्टा चश्मा के, तो हर एक कैरेक्टर को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं घरों में। और आपको बता दें, इसी कैरेक्टर में एक कैरेक्टर बहुत दिलचस्प था, जो कि सोडी का कैरेक्टर था, जो कि गुरुचरण सिंह प्ले करते थे। और इन दिनों वो काफी सुर्खियों में बने हुए थे। इसके पीछे का कारण है कि वो लापता हो गए थे, उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था उनकी फैमिली से। आपको बता दें, गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली से निकले थे मुंबई रवाना होने के लिए, जो कि मुंबई तक नहीं पहुंचे। और इसी बीच के 2-4 दिन गुजर गए और उनके फैमिली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, जो कि उनके पिता ने दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाकर 26 अप्रैल को FIR दर्ज कराया लापता होने का, कि उनके बेटे से कोई उनका कॉन्टेक्ट नहीं हुआ और डिप्रेस्ड था, जिसके कारण पुलिस ने किडनैपिंग के तौर पर इनका रिपोर्ट दर्ज किया। और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से छानबीन में लग गई थी कि आखिर सोडी उर्फ गुरुचरण सिंह कहां गए हैं, जो कि अपने फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि फाइनली अब वो लौट आए हैं। और इसी बीच पुलिस से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि मैं 22 अप्रैल को घर से तो निकला था, पर मैं मुंबई के लिए नहीं निकला था, मैं धार्मिक यात्रा पर दुनियादारी छोड़कर निकल गया था। और इन दिनों में अमृतसर, लुधियाना और जहाँ जाने कितने शहरों से गुजरा। और जब फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये गलत कर रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, आखिर दुनिया में कोई ना कोई किसी के लिए बना होता है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान होंगे, उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया और फाइनली मैं घर के लिए लौटा हूँ। आपको बता दें, सोडी उर्फ गुरुचरण सिंह जिस तरह इस समय सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे क्रिटिसाइज लोगों ने ये भी तक बता दिया था कि गुरुचरण ने खुद को लाइमलाइट में बनाने के लिए ये किए हैं, खुद को खुद से लापता कर दिए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, सोडी उर्फ गुरुचरण सिंह क्या खुद को लापता किए लाइमलाइट पाने के लिए, जो कि हर किसी शख्स के जुबान पे उनका नाम था? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। और ऐसे ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्रीज के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।